हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, और हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो सुबह के जो काम थे वो तो हो चुके हैं, तो हमने दाल रख दी थी बनने के लिए। दाल हमारी बन चुकी है तो उसको फ्राई कर देते हैं, और इधर दूध रख दिया था, दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद बना लेंगे चावल और रोटी, तो खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे के काम देखेंगे। और दोस्तों, आज है 21 तारीख, दिन है बृहस्पतिवार, तो सुबह का समय है, खाना बन रहा है हमारा। और उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि वीडियो का काम भी करना था आज दिन में। तो दोस्तों, दोपहर के 3 या 3:30 बजे का समय होगा, और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी सुबह से लेकर अभी तक बदली ही छाई हुई है। कपड़े धुल के डाले तो वैसे ही टंगे हैं, हम गए थे देखने के लिए, लेकिन सारे कपड़े वैसे ही गीले हैं। तो 3:30 बजे का समय हो रहा है, चलिए काम शुरू कर देते हैं। और आज तो समय का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी समय बीत गया, सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चलता। और सुबह थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचाना था। क्योंकि जिस दिन रात में काम हो जाते हैं उस दिन तो ठीक रहता है, नहीं तो दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, समय का इतना ज़्यादा अभाव हो जाता है। तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि उसके बाद कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो शाम है तो क्या, वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। और चारू गई हैं अपने पापा के साथ बाज़ार, आज हमारे गाँव की बाज़ार है तो वही गई हैं सब्जी लेने के लिए, और पास में ही लगती हैं तो साथ में चली जाती हैं, दूर होती तो वो खुद ना लेकर जाते इनको। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लगा रहे हैं शाम वाली झाड़ू। और जब भी अब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको अपनी बहन का एक कमेंट याद आ जाता है। उन्होंने लिखा था कि आप जो है फूल झाड़ू मंगा लीजिए, और वो कई बार कह चुकी हैं, लेकिन क्या करें बहन, हमारे गाँव में जो है फूल झाड़ू मिलती ही नहीं है, बाहर की मार्केट से लाना पड़ता है। तो अब जब कोई जाएगा तो ज़रूर मंगा लेंगे, तो फिलहाल तो इसी से काम चला रहे हैं। और सच में आप सही कहती हैं, इससे बहुत ही कम बनता है, या तो जो कचरा आता है उससे बन जाता है। तो झाड़ू लगा लेते हैं, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो प्रयास करते हैं धीरे धीरे सब सवालों के जवाब दें। और जैसे कुछ सवाल हैं होम टूर को लेकर, तो हम प्रयास तो करेंगे जल्दी से आप तक होम टूर का वीडियो बनाकर पहुँचाएँ, लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ हमको सही लगती है हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो झाड़ू लगा ली है, उसके बाद जा रहे हैं छत पर, और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी रसोई का हाल। बहुत ही बेकार हाल हो चुका है रसोई का। तो दोस्तों, हम आए थे अपनी छत पर कपड़े देखने के लिए कि उनको अंदर उठा के रख दें, लेकिन यहाँ पर आए तो अपनी रसोई का हाल देखा, बहुत ही ख़राब हाल हो गया हमारी रसोई का। और जिस अलमारी में हम डिब्बे वगैरह सजा के रखते थे, ये देखिए पूरी अलमारी हमारी इधर उधर हो चुकी है, यानी सब डिब्बे वगैरह सब इधर उधर हो चुके हैं। और ये देखिए बर्तनदानी जिसमें हम बर्तन रखते थे, तो बर्तनों में तो धूल मिट्टी ज़्यादा ही जमा हो चुकी है। तो वही अब सोच रहे हैं, पता नहीं कब इसका भी समय आएगा। तो ये देखिए हमारी रसोई का हाल कुछ ऐसा हो गया है, सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि अब तो ना तो छत पे जो है खाना बनता है, ना ही सारी सामानें ऊपर आ पाती हैं, और ना ही उतनी सफाई हो पाती है। यहाँ पर बिटिया रानी का टेडी बियर पड़ा हुआ है, उनके डुग्गू हैं, और देखो कब समय आता है हमारी रसोई का फिर से, कब सजेगी कब संवरेगी। और जो है चूल्हा तो हमने बना के रख दिया है, लेकिन जो पहले इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आंधी आ जाती है, तो उसके लिए हम इस बार जो है थोड़ा मजबूत ही इंतजाम करेंगे, क्योंकि छप्पर से अब काम होने वाला है नहीं। और हमारे दोस्तों के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी इस बार थोड़ा सा मजबूत इंतजाम कीजिएगा, तो यहाँ पर नाप ले ली गई है। और जब ये लोग नाप रहे थे तो साथ में बड़े लोग भी थे जिनके आगे हम वीडियो नहीं बना सकते थे, तो नाप लेके गए थे आज लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलिए काम तो शुरू होगा, और इनको तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, केवल एक दिन का समय मिलता है संडे का, या तो फिर शाम के समय। तो
उसी में थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। तो आज टीन लेने के लिए गए थे, वो लेकर आ गए, उसके बाद गए हैं बाजार और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बदली छाई हुई है। आज धूप बहुत कम निकली है और यहाँ पर आ गई है सब्जी और आज इनकी मनपसंद सब्जी मिल गई है बाज़ार में। वैसे हमारे गांव के बाज़ार में अभी तक जो है ब्रोकली जो है नहीं आ रही थी, लेकिन अब आने लगी है, तो वही इनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो लेकर आए हैं। तो वही पूछ रहे थे कितने की मिली है। यहाँ पर रंग बिरंगे शिमला मिर्च मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। वैसे अभी तक हमारे गाँव की बाज़ार में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन अब सब्जियां ज्यादा ही आने लगी हैं। और ये देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, पीली लाल हरी। वैसे हरी तो आती है, लेकिन ये लाल और पीली आज आई थी तो कह रहे थे देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो ले आए हैं। और उसके बाद सारी सब्जियों को निकाल के रख देते हैं। आलू प्याज टमाटर भी लाए थे तो उसको भी निकाल के रखना है। और इस समय बहुत ही अच्छी सब्जियां आ रही हैं ताजी ताजी खेतों की, तो यहाँ पर सामान को उठाकर रख देते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पर हमारी टीन आई है। ये देखिए आई थी तब बहुत सारे लोग थे तो हमने कहा हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब हम आए थे देखने कि कितने सेट हैं, तो ऊपर नाप के हिसाब से आई है कितनी लगेंगी। तो वही चारू कह रही थी मम्मी इसका क्या बनेगा, तो हमने कहा जब बनेगा तब देख लेना। और बताएं काम छोटा हो या बड़ा हो, जब काम बहुत दिनों का सोचा हुआ पड़ा रहता है और अचानक से होने लगता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ये काम भी हमारा शुरू हो जाएगा अब कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर बिटिया रानी को पकड़ कर ले आए हैं और करने जा रहे हैं इनकी मालिश। तो तेल गरम कर दिया है, उसमें लहसुन डाल दिया है, मेथी डाल दी है और इनकी जमकर मालिश की थी कपड़े उतार कर। उसके बाद फिर कपड़े पहना दिए हैं और हाथ पैरों में भी रगड़ दे रहे हैं, क्योंकि आज इनको हल्की हल्की सी खांसी आ रही थी, तो हमने कहा कहीं जुकाम जो है बढ़ ना जाए। दूसरों को पढ़ाने चली, पहले खुद तो याद करो, खुद तो पढ़ती नहीं हो कि तो बिटिया पढ़ो तो नहीं पढ़ा रहा है। इनको तैयार करते जा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा भागती हैं कपड़े पहनाने में, और हमने सोचा ज़्यादा ही कपड़े पहनाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, एकदम कड़ाके वाली ठंड हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी बातें शुरू रहती है, मुंह इनका 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहता है। बता रही थी बाहर खेल रहे थे तो ये कह रहे थे बच्चे ये कर रहे थे, तो हमने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ हमको करने हैं काम। और ये देखिए कैसे भाग रही थी, तब गुस्सा भी लगती है, डांट भी देते हैं इनको, और जैसे डांटो ना वैसे हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कैसे भी गुस्सा ना हो हंस दे। और ठंड में सबसे बड़ा काम यही होता है कि बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो ठीक रहता है, उनको कैसे भी पहना दो वो पहने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं वो उतार उतार कर फेंकना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमारी बिटिया रानी करती हैं, टोपी उतार कर अलग फेंक देती हैं, जो मोजे होते हैं उनको उतार के अलग फेंक देती हैं। और अभी तो इनको अच्छे से तैयार कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में देखिएगा टोपी इनकी कहीं अलग होगी, मोजे इनके कहीं अलग होंगे, तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं सरसों लेकर, सरसों को हम तवे पर भून लेते हैं। तो सरसों हमने भून लिए हैं, उसके बाद ये है सौंफ, सौंफ को भी अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद थोड़ी धनिया, धनिया को भी भून लेते हैं, अगर आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम क्यों भून रहे हैं आप लोगों को बता दें कि जो आंवला हमने रखा था सूखने के लिए धूप में वो सूख चुका है, तो उसका आज हम अचार बनाकर रख देंगे। और उसके बाद ये है कलौंजी थोड़ी सी, तो कलौंजी को भी हमने भून लिया है। और उसके बाद इसको पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा पीसना है। तो थोड़ा सा काला नमक हमने पहले डाल दिया था, थोड़ा सा कम लगा था तो हमने बाद में भी डाल दिया था। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने सरसों को थोड़ा सा दरदरा पीसा था, और इसका जो छिलका होता है वो हम ऐसे ही थाली से निकाल दे रहे हैं, वैसे आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने हल्का सा इसका जो छिलका आगे का होता है वो निकाल दिया है। तो
हमने मसालों को भूनकर पीस लिया है। उसके बाद जो आंवले हम उतार के लाए हैं, आंवले हमारे अच्छे से सूख गए हैं। उसके बाद इन मसालों को आंवले में डाल देते हैं। और हमारे आंवले जो है थोड़े से ही थे, तो थोड़ा ही मसाला है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा ही पहले बनाया है क्योंकि आंवले हमको इतने ही मिले थे। तो यहाँ पर सारे मसालों को हमने डाल दिया है। ऊपर से डाल देते हैं सरसों का तेल। अगर आप लोग चाहें तो सरसों के तेल को आप जो है गर्म करके भी डाल सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा था तो हमने ऐसे ही डाल दिया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसको मिलाते समय, सारे मसाले जो है बहुत ही अच्छे से महक रहे थे। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी ऊपर से डाल देते हैं। और थोड़ा सा तेल हमने ऊपर से भर दिया था डिब्बे में, और यहाँ पर ये डिब्बा हमने धुल के रख दिया था, अच्छे से सूख गया है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, जरा सा भी पानी लगा रहता है अगर डिब्बे में तो फिर अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर डिब्बे में रख दिया है, ऊपर से डाल दिया है सरसों का तेल। तो जो है अचार हमारा बनकर तैयार हो जाएगा कुछ ही दिनों में, अभी उसको हमने रख दिया है। उसके बाद आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी। तो आलू हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है क्योंकि सब लोग कह रहे थे ऐसे ही बनेगी, आज आलू नहीं पड़ेगी। तो पत्ता गोभी की सब्जी है, थोड़ी सी गाजर मम्मी ने काट दी थी तो गाजर भी इसमें पड़ी है। तो गाजर और पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और आप लोगों के यहाँ आंवले का अचार कैसे बनता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं। तो मसाले हमने पीस लिए थे सिलबट्टे पर, उसके बाद मसालों को पका लेते हैं। और ये देखिए बार बार आ रही थी, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो, सब कुछ पूछती रहती हैं, ये क्या है, वो क्या है, इसमें क्या करोगी। इनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब देते देते हम थक भी जाते हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी नींबू उठाकर भागी हैं, और नींबू ये चाटने भी लगती हैं, तो वही हम उठाकर रख आए हैं। और इनको भी देखते जा रहे थे, खाना भी बनाते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बस बनने ही वाली है। और आज रोटी बनेगी बाहर चूल्हे पर, क्योंकि पापा जी को हमारे जो है ज्वार की रोटी खानी, यानी जोंढी की रोटी खानी है, गेहूँ की रोटी नहीं खाएंगे। तो वही सबके लिए तो गेहूँ की रोटी बनाएंगे, लेकिन पापा जी के लिए ज्वार की रोटी बनाएंगे। तो गैस में तो बनेंगी नहीं, वो तो हमको बनानी पड़ेंगी बाहर चूल्हे पर। और इन्होंने आग जला दी है क्योंकि ठंड जो है इतनी ज्यादा पड़ती है कि ऐसे बैठा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर ज्वार का आटा ले आए हैं, यानी जुंडी का, हमारे यहाँ जुंडी ही बोला जाता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, और इस आटे को बहुत ज़्यादा रगड़ना होता है। हमारी एक बहन ने कमेंट किया था, दीदी जब अब हाथ से रोटी बनाना तो थोड़ा बारीकी से दिखाना, हम भी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस आटे को बहुत ज़्यादा रगड़ना होता है हाथ से, उसके बाद जैसे लोई बनाई जाती है वैसे बना लेते हैं। और उसके बाद हाथों में पानी लगाकर इस रोटी को हाथों से ही बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी जो है बनती जा रही है, जुंडी की रोटी गर्मा गर्म। और पापा जी का बहुत ज़्यादा मन था खाने का, तो यहाँ पर रोटी बनकर तैयार हो गई है। और हाँ, ये रोटी आप पतली नहीं बना सकते, अगर पतली बनाएंगे ना तो बिल्कुल कड़ी कड़ी सी हो जाएगी। तो मोटी रोटी ही बनानी पड़ती है और बिल्कुल धीमी आँच में पकानी पड़ती है। तो ननद जी बैठी थी उधर, तो वो सेंकती जा रही थी। और हमारी बिटिया रानी की भी रोटी देखिए, हाथों में पानी लगाकर छोटी छोटी सी रोटी बना रही है, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही। और आप लोगों को पीछे से थोड़ा सा खराब लग रहा होगा क्योंकि अभी जो पुआल यहाँ पर जलाई गई थी तो थोड़ा सा काला काला सा हो गया है, क्योंकि अब ठंडियों में तो जगह जगह पर आग तापी जा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए ज्वार की गर्मा गर्म रोटी तैयार हो रही है और पापा जी आ गए हैं खाने के लिए। तो पत्ता गोभी की सब्जी है, ज्वार की रोटी है, बिल्कुल देसी खाना बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी आइए, खाइए आकर, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ज्वार की ये रोटी कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।